हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं अपनी फिजिक्स की क्लास इनवर्सिव मेजरमेंट। तो पिछली क्लास हम लोगों ने काफ़ी न्यूमेरिकल किया है, अभी और थोड़ा बहुत आज न्यूमेरिकल और खत्म कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग एरर्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो और चलिए शुरू करते हैं, फिर क्वेश्चन देना शुरू करते हैं, फिर आप इसको लगा लीजिए जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर डिपेंड्स। देखा फिर से बेटा, वही आ गया डिपेंड्स। क्या आ गया बेटा? डिपेंड्स। वही शुरू करते हैं, डिपेंड्स On the length, L of its prong, मतलब लटका हुआ है, देखिए हैंग जो भी, और डेंसिटी जो है, देखिए क्या है बेटा, डेंसिटी D एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इट्स मटेरियल डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशंस, ठीक है। तो इसको करना कैसे है देख लीजिए बेटा, फिर से वही चीज, किस पे डिपेंड कर रहा है देख लीजिए। आपने देख लिया कि द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम पीरियड हम लोग इसको फटाक से लिख लेंगे, टी इज इक्वल टू के। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा देख लो, एल पे डिपेंड कर रहा है, डी पे डिपेंड कर रहा है, एल पावर ए, डी की पावर बी, और यंग्स मॉडुलस सिंबल ये होता है, ठीक है, पावर सी। अब कुछ करना है क्या? हाँ सर, डायमेंशन लिखने हैं, होमोजेनिटी लगाना है, तो कर लीजिए। इसमें कैसे करेंगे बताइए, डायमेंशन यंग्स मॉडुलस का मैं लिखवा देता हूँ। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन आपको नहीं पता है, तो यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन होता है आप लिख लीजिए एम एल इनवर्स टी माइनस टू, ये होता है इसका डायमेंशन। ठीक है बेटा, ये कुछ ऐसा बनता है, यंग्स मॉडुलस डायमेंशन जो है आप ऐसा लिख लीजिए बस। बाकी तो हम लोग को सब पता ही है, डेंसिटी का पता है क्या, एम एल माइनस थ्री, और लेंथ का। चलिए शुरू करते हैं बेटा फटाक से, हम लोग कोई टाइम बिना बर्बाद किए। चलिए एम जीरो एल जीरो टी, ठीक है, डायमेंशन एल ए, एम एल माइनस थ्री पावर बी, और यंग्स मॉडुलस का भी हमने देखा क्या लिखा है बेटा, एम एल इनवर्स T माइनस टू पावर सी, ठीक है, ऐसा लगा दिया हमने। उसके बाद फटाक से देख लीजिए बेटा, बस क्या करना है, हमको कंपेयर करना है, कंपेयर अभी नहीं करें, कोई सेटअप कर लें, L की पावर A, M की पावर B, L माइनस थ्री बी, एम की पावर C, L की पावर माइनस सी, T की पावर माइनस टू सी। अब इसको फटाफट बेटा सेट कर लीजिए, M की पावर क्या हो जाएगा, B प्लस सी, और L की पावर क्या हो जाएगा, A माइनस सी, सॉरी पहले माइनस क्या लिख दे, 3B और माइनस सी, और T की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस टू सी। एम जीरो एल जीरो टी, ठीक है। अब आपको करना है कंपेयर, तो कंपेयर कर लीजिए, देखिए B प्लस सी किसके बराबर है, B प्लस सी किसके बराबर है, तो B प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। उसके बाद बताइए a माइनस थ्री बी
माइनस सी इक्वल टू क्या हो बेटा, इज इक्वल टू आपको दिया है जीरो, ये भी इक्वेशन क्या है थ्री हो गया, और लास्ट में माइनस टू सी इज इक्वल टू वन, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब सुनिए बस क्या करना, सी की वैल्यू बेटा यहां पुट करना है, ठीक है ना, तो बी प्लस माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम फोर्थ से, ठीक है बेटा फ्रॉम फोर्थ से, उसके बाद बी इज इक्वल टू कितना आ गया वन बाई टू आ गया, ठीक है हमको ए सी मिल गया है, बी मिल गया है, अब हम लोग को ये चाहिए ए माइनस वन बाई टू, थ्री का इंटू भी रहेगा माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी आई है बेटा, देखिए बी की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो मैंने ये जो है गड़बड़ कर दिया, ये देखिए थ्री मल्टीप्लाई वन बाई टू फिर माइनस वन बाई टू बराबर जीरो, आप लिख सकते हैं फ्रॉम कहाँ कहाँ से आया है, फोर्थ से आया है और कहाँ से आया है और किससे आया है बेटा देख लीजिए सेकेंड से, ठीक है ना। चलिए अब इसको देख लेते हैं, अब इसमें देखिए बेटा क्या है, अब इसके बाद आपने इसको सॉल्व कर देना है माइनस थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू, ये जोड़ लीजिए मतलब ये थ्री में से वन गया टू यानी कितना आ जाएगा बता दीजिए जल्दी से भाई, ये आपका आ गया माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया वन बाई टू आ गया, देख लीजिए अब आपके पास क्या अवेलेबल है बेटा, ए की वैल्यू अवेलेबल है, ए की वैल्यू दी गई है कितना वन बाई टू, और बी की वैल्यू कितनी दे दी गई है वन बाई टू, और सी की वैल्यू दे दी गई है माइनस वन बाई टू। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, देख लीजिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और इसको देखिए, और आपको लग रहा कैसे आ गया, तो भैया डेढ़ में से आधा गया कितना बचेगा, डेढ़ में से कितना गया, अब देखिए मैंने गड़बड़ की है, क्या गड़बड़ की है, डेढ़ में से आधा गया तो आता है एक, तो ये गड़बड़ आप जरूर करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले बता दूं, देखिए तो यहाँ पे बचेगा वन, और नहीं तो ये आप ऐसे सॉल्यूशन करके देख लें थ्री माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा टू बाई टू यानी वन, ये बच्चों जैसा कभी कभी करवा लेते हैं आप लोग, चलिए है तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा वन आ गया। चलिए ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है इसलिए मैंने आपको बता दिया, वैसे तो मैं ऐसे कर सकता डेढ़ में से आधा गया तो कितना बचेगा एक बचेगा, सीधे सीधी सी बात है बेटा। अब फटाक से ये सारी चीजें आगे पुट कर दीजिए, टी इज इक्वल पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज, ठीक है फटाक से इसमें रख दीजिए बेटा, कोई घबराने वाली बात है नहीं, ये एल की पावर वन, डी की पावर कितना है यानी बी की पावर वन बाई टू, और सी की पावर कितनी है यंग्स मॉडुलस माइनस वन बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा के एल, उसके बाद डी की पावर वन बाई टू, और ये जो है आपका वन बाई टू अपॉन में, तो यहाँ पर आप देखेंगे टी इज इक्वल टू के एल डी अपॉन ये वाला, ऐसे रूट करके लगा दीजिए, ये आपका बन गया फार्मूला। बताइए कहीं कोई दिक्कत, ये वाई नहीं है बेटा, यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है ऐसा देख रहे हैं आप, बड़ी आसानी से हो जाता है, बस वही कि आपको मैंने बोला ना बेटा छोटे छोटे जो मिस्टेक्स आप करते हो, जो मैंने करके दिखाया मैं भी कर सकता हूँ और आप भी कर, मिस्टेक्स तो कोई भी कर सकता है, ठीक है ना, तो बट आपको छोटे छोटे मिस्टेक्स को ध्यान देना होगा, ये छोटी छोटी गलतियां छोड़नी होंगी, और छोटी छोटी गलतियां अगर नहीं होंगी तो क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगा बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कितना आसान क्वेश्चन था देख लीजिए, आसानी से आ गया होगा। चलिए बेटा आगे करते हैं, तो फटाक से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस जल्दी से कर लीजिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है बेटा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, फटाक से हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग ड्रॉप में डिपेंड अपॉन रेडियस आर ऑफ द ड्रॉप डेंसिटी रो ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस टेंशन, बहुत टेंशन है बेटा, सरफेस टेंशन एस ऑफ द लिक्विड बताइए इसका फॉर्मूला ठीक है। अब इसको आप आराम से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखिए आराम से कैसे करेंगे। सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यू पे इक्वल टू के, और क्या मानना है बेटा इसमें डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पे पावर ए, इस पे डिपेंड कर रहा है रो पे पावर बी, और किस पे डिपेंड कर रहा है सरफेस टेंशन एस, क्या लिखेंगे पावर सी। सरफेस टेंशन मैंने आपको बता दिया बेटा क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, क्या होता है फोर्स अपॉन डायमेंशन बना लेंगे आप इसका, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, तो एल से एल कट गया, क्या आएगा एम टी माइनस टू। फटाक से हम लोग शुरू कर देते हैं, डेंसिटी है तो डेंसिटी हमको पता है एम एल माइनस थ्री होगा, शुरू करते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है डायमेंशन, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, ठीक है के नहीं लगाना है हम लोग को, ये ऐसा लिखिए एल की पावर ए, और एम एल माइनस थ्री की पावर कितना हो गया बी। सरफेस टेंशन का हमको पता ही है तो लिख लेते हैं एम टी माइनस टू, ठीक है एम टी माइनस टू हो गया बेटा, कितना हो जाएगा सी, चलिए अब फटाक से हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब कंपेयर करने से पहले तो सॉल्यूशन लिख दें, ए एम की पावर बी और माइनस थ्री बी सी और टी की पावर माइनस टू सी, ठीक है ये हो गया ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं फटाक से, एम बी प्लस सी पावर जुड़ जाएगा बेटा, और एल एल की पावर ए और माइनस थ्री बी और टी की पावर माइनस टू सी, ठीक है तो क्या कर ले कंपेयर कर लेते हैं, तो क्या करेंगे b प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या लिखना है हम लोग को, a माइनस थ्री बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है बेटा आपको, माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया वन बाई टू आ गया, ये फोर्थ हो गया। अब इसको क्या करना है, c की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, चलिए पुट कर देते हैं, तो बी इक्वल टू कितना आ गया माइनस वन बाई टू आ गया, ठीक है। अगर हमको b मिल गया, अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, a माइनस थ्री इंटू माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, कितना हो जाएगा बेटा प्लस थ्री बाई टू, और इसको टू जीरो उधर गया कितना जाएगा a इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। अब देख लीजिए इसमें कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई रुकावट है तो बता दीजिए जल्दी से। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखिए, अब इसमें क्या क्या करना है वो आपको देख लेना चाहिए ठीक है बेटा। तो फटाफट हम इसको जो है शुरू कर देते हैं, चलिए तो शुरू करते हैं ठीक है, सारी वैल्यूज हमको पता चल जाएंगी।
चलिए अब जैसे लिखेंगे a इज इक्वल टू कितना है हमारा दिया है माइनस थ्री बाई टू। b इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा -1/2 और c इज इक्वल टू कितना दिया है हमारा जो है 1/2। ठीक है सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं पुटिंग दीज वैल्यूज। ठीक है इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। इन वैल्यूज को पुट करने पर क्या आएगा देख लीजिए, इन वैल्यूज को अगर पुट करने वाले हैं तो क्या आएगा वो देख लेते हैं बेटा हम लोग जल्द से जल्द। अब इसके बाद हमको क्या लिखना है इसमें देखो न्यू इज इक्वल टू के आर की पावर जो है -3/2। ठीक है रो की पावर -1/2 और यहाँ पे सरफेस टेंशन 1/2। तो क्या कर लें इसको पहले इन दोनों को अपॉन में ले आए 1/2। ठीक है और ये क्या हो जाएगा आर की पावर अब पॉजिटिव हो गया 1/2 और ये क्या हो गया एस 1/2। तो अब एक काम कर सकते हैं कि सब में से 1/2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा एस बाई आर क्यूब और ये हो गया आपका एस। तो ये अगर 1/2 है कॉमन ले लेंगे। ठीक है बेटा कॉमन ले ले सकते हैं हम लोग, कुछ दिक्कत की बात है नहीं। अब इसको क्या कर दें इसको आप इकट्ठा करके ऐसे लिख सकते हैं, इसको रूट में बोल सकते हैं क्या आर क्यूब और ये आपका जो है डेंसिटी है। ठीक है ना ये आपका हो गया एस अपॉन आर क्यूब और ये रो। ठीक है तो देखिए आराम से देखिए बेटा ये फॉर्मूला क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। मैंने बोला ना फॉर्मूले सारे प्रूफ हो जाएंगे बेटा, कितने तक के क्वेश्चन पॉसिबल है आप देख पा रहे हैं आसानी से सारे क्वेश्चन आप क्या कर पा रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर पा रहे, बहुत आसानी से आप इस चीजों को सीख पाएंगे। बस मैं बोला ना बारी बारी से क्वेश्चन देखिए, अगर आता है तो खुद से ट्राई करिए, नहीं आता तो मैं आपको हर क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कितना आसानी से आप क्वेश्चन कर पाते हैं। और बढ़िया से नोट्स बना लीजिए सारे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो बढ़िया से करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं आराम से। द एस्केप वेलोसिटी वी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स, फिर से देखा बेटा मैंने डिपेंड्स अपॉन ठीक है डिपेंड्स अपॉन। हाँ इसमें देखिए पहला दिया है आपका द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Acceleration due to gravity of the planet, ठीक है और दूसरा क्या है देख लीजिए बेटा the radius of the planet, ठीक है प्लैनेट आर। establish dimensionally the relationship
रिलेशनशिप बिटवीन वी जी एंड आर। आराम से बेटा इसको हम लोग कर लेंगे, कोई ऐसी मुसीबत नहीं कि नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने बताया ना शुरू कर से चाहे तो आप एक बार ट्राई कर लें, अगर ट्राई करने का मन हो तो, नहीं तो मैं तो कराने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखिए सॉल्यूशन में लिखते ही और सॉल्यूशन करते हैं कि उसमें क्या है, वेलोसिटी वी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी, वो लिखा है ना बेटा। चलो वहीं से उठा लेते हैं सर, तो चाहे तो यहीं से पकड़ लो पूरा पूरा। ठीक है ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसमें है जी हो गया और ये हो गया रेडियस बी। आराम से किसी को भी कर सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, इसका सब डायमेंशन आपको बताइए, देख लीजिए इसका डायमेंशन होगा एम जीरो एल टी माइनस वन बेटा, और ये हो गया जी का क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू हो गया, और आर का क्या हो जाएगा, और आर का आपका आ जाएगा जो है एल। ठीक है, आर का हो जाएगा एल। ठीक, अब देखिए फटाक से हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत है नहीं। पावर ए, एल की पावर ए, टी की पावर माइनस टू ए, और ये हो गया एल की पावर क्या हो गया बेटा बी। ये देखिए आराम से कर लेंगे बेटा, अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ए प्लस बी और टी की पावर माइनस टू ए। ठीक है, हाँ आराम से अब इसको देख सकते हैं इसमें क्या है, और ये हो गया आपका एम जीरो, इसको चाहे तो मत लिखिए जो है एल टी माइनस वन। ठीक है, एल टी माइनस वन, तो ये हो गया आपका, कंपेयर कर लीजिए बेटा फटाक से, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू वन और माइनस माइनस टू ए, ये आपका हो गया पहला इक्वेशन, और ये आपका क्या हो गया बेटा जो है दूसरा इक्वेशन, और ये आपका हो गया तीसरा इक्वेशन। तीसरा क्या, पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा वन बाई टू आ गया, आसानी से देख सकते हैं, और ये हो गया तीसरा, और इसको आप पुट कर दीजिए इसमें, तो ए प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाई टू, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा, तो बस हमारे पास देखो बेटा आंसर आ गया ए इज इक्वल टू वन बाई टू, बी इज इक्वल टू ऑल्सो वन बाई टू, पुटिंग दीज वैल्यूज। ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यूज, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा रूट वी इज इक्वल टू के, जी की पावर कितनी हो गई वन बाई टू, आर की पावर वन बाई टू, इसको पूरा क्या लिख सकते हैं रूट में जी इंटू आर। ठीक है, आराम से समझ आए बेटा, इसमें कहीं कोई रुकावट है ही नहीं, बार बोल रहा हूँ ना, आप आसानी से सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, एक बढ़िया सा क्वेश्चन और, चलिए इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन दे देता हूँ, करिए जल्दी से। चलिए तो मैं इसको रफ करूँ बेटा, आ तो रहा है ना बेटा आपको सारे क्वेश्चन, देखिए मैं सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहा हूँ बिल्कुल एक के बाद एक। अ लार्ज फ्लूड स्टार, और रुकिए मैं इसको उससे लिखता हूँ, इसकी इंक जो है खत्म हो रही है। अ लार्ज फ्लूड स्टार ऑसिलेट्स oscillates in shape under the influence
इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ओन ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड यूजिंग डायमेंशनल डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड द एक्सप्रेशन Find the expression for the find the expression for the for period of oscillation t in terms of terms of radius of star r mean density of fluid rho and universal gravitational constant जी ठीक है बेटा। तो इसमें आपको बताना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको फंसाएंगे कभी इसमें। तो क्या पूछा है, ऑसिलेशन का टाइम पूछा है, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड यूजिंग का डायमेंशनल, हाँ ठीक है इसे बताना है और सब उसी पे डिपेंड है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टी पीरियड, तो बिल्कुल इसको आप आसानी से कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। टी लिखा, के लिखा, इक्वल टू में किस किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, रो पे डिपेंड कर रहा है और कैपिटल जी पे डिपेंड कर रहा है। क्या इन तीनों के अलावा कुछ और भी है, आंसर है नहीं है। तो बस फट से शुरू कर देते हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। हाँ आपको लग रहा होगा फिर से कैपिटल जी का हमें डायमेंशन नहीं पता, तो ठीक है बेटा मैं बता देता हूँ फॉर्मूला आपको, उससे आपको तो निकाल ही लेते हैं। एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम एम इज इक्वल टू जी, तो ये हो गया एम एल टी माइनस टू और ये हो गया आपका एल स्क्वायर अपॉन एम एम, एक एम यहाँ से चले गया तो एम इनवर्स टी माइनस टू सेट करके लिख लेते हैं। ठीक है ये होता है आपका कैपिटल जी का डायमेंशन। ठीक है बेटा, तो कैपिटल जी का डायमेंशन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो तो नाइन्थ का ही फॉर्मूला है। ठीक है नाइन्थ में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था ना बेटा, उसमें ये फॉर्मूला दिया गया था, तो वही फॉर्मूला है ये। ठीक है उसी फॉर्मूले से डायमेंशन आप बना सकते हैं, बड़े आसानी से आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें देखिए आप फटाक से इसको रख देते हैं, चलिए एम जीरो एल जीरो टी, चलिए आर मतलब एल, डेंसिटी मतलब एम एल माइनस थ्री और जी का हमने देखो निकाल ही दिया बेटा कितना बड़ा सा, एम माइनस वन एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है ये हो गया सी, बस इतना करने के बाद इसको हमको रफ कर देना चाहिए, इसका कोई काम तो है नहीं है। चल ठीक है अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग देख लेते हैं। अब इसको देखिए जो है इसमें जो है क्या करना है आपको, अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है m माइनस थ्री बी माइनस सी टू सी माइनस टू सी। ठीक है m b माइनस सी, उसके बाद क्या हो जाएगा l माइनस थ्री, पहले शुरू करते हैं a माइनस थ्री बी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस टू सी, फिर t की पावर माइनस टू सी। ठीक है बेटा
देखिए आसानी से हो जा रहा है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत रुकावट तो है नहीं बेटा कि जो नहीं होगा, ठीक है ना, आराम से आप इसको कर सकते हैं। देखिए कंपेयर करते हैं, जो है b माइनस सी बराबर जीरो, इक्वेशन टू, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, a माइनस थ्री बी प्लस टू सी, ठीक है, बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, जीरो, आराम से, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, देख लीजिए, वन बराबर सॉरी उसके बाद क्या हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग, ये जो है क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, ये हो गया आपका माइनस टू सी इज इक्वल टू कितना हो गया, वन, तो सी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन बाई टू। आसानी से देखिए आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई रुकावट नहीं आया। चलिए अब फटाफट हम इसको जो है देख लेते हैं, ठीक है, हाँ इसमें देख लेते हैं इसमें क्या रखा है, इसमें कुछ तो ज्यादा है नहीं बेटा, आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो c की वैल्यू कहाँ पुट कर दे, इसमें पुट कर दे, तो जो ये b इज इक्वल टू क्या हो गया, c हो गया, यहाँ से देख लीजिए, या तो ऐसे लिख देते हैं माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वन बाई टू हो गया। अब a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो जो है आपका थ्री, b की वैल्यू कितनी है, माइनस वन बाई टू, और c की वैल्यू कितनी है बेटा, c की वैल्यू कितनी है, टू मल्टीप्लाई जो है माइनस वन बाई टू, ठीक है, बराबर जीरो, ठीक है, इसको भी कर लेंगे, थ्री बाई टू प्लस में और प्लस सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि ये टू मल्टीप्लाई वन बाई टू है बेटा, तो ये हो गया इसको टू जीरो, और इसमें से माइनस कर दीजिए तो आधे में से गया कितना आएगा, आधा आ गया, यानी वन बाई टू आ गया, जीरो, तो ए इसको टू कितना आ गया, माइनस वन बाई टू आ गया। क्या ये सही है, हर बार क्या आ रहा है, सब वन बाई टू में ही आ रहा है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं, सब सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें वो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है देखते हैं हम लोग, ए की जो वैल्यू आ रही है, हाँ ठीक है, इसमें इसमें तो ए की वैल्यू जो है जीरो आ रही है, तो हम लोगों का क्या गड़बड़ हुआ भाई, बी माइनस सी बराबर जीरो सही आया है, माइनस थ्री बी प्लस थ्री सी प्लस थ्री सी ए होगा, ओहो देख लेते हैं हम लोग, हाँ बेटा इसलिए क्योंकि ये जो हम लोग डायमेंशन बनाए थे जी का, यहाँ पे ये थ्री होना चाहिए था, ठीक है बेटा, ये यही गड़बड़ हुआ है, और इसी वजह से जो है आंसर नहीं आ रहा था बेटा। जब ये थ्री सी हो गया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या आने वाला है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे आएगा थ्री बाई टू, तो क्या मिलने वाला है आपको, जीरो मिलने वाला है, क्योंकि बी और सी तो बराबर है, बिल्कुल सही बात है बेटा, देख लीजिए, ठीक है ना। तो हमने देखा ना, मैंने कई बार बोला अगर डायमेंशन थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका आंसर नहीं आने वाला, ठीक है, डायमेंशन का मिस्टेक होता है तो ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू वन बाई टू माइनस में माइनस वन बाई टू, और सी इक्वल टू ऑल्सो माइनस वन बाई टू, पुट कर दीजिए बेटा, टी इज इक्वल टू के, इसके बाद आपका आर की वैल्यू जीरो मतलब पावर जीरो, और ये आ गया माइनस वन बाई टू, और जी भी आ गया माइनस वन बाई टू, तो हम लोग लिख देंगे के बाई, या ऐसे करके लिख दें, वन बाई रो की पावर वन बाई टू, और जी की पावर वन बाई टू, इसको रूट में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने रूट लगाया, ये बन गया आपका फॉर्मूला, देख लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत कोई रुकावट, आसानी से आप इसको समझ गए, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि जो आप नहीं कर पा रहे हैं। देखो बेटा बड़ा आसान सा एकदम, इसमें कहीं कुछ है नहीं, हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी बता ना डायमेंशन, डायमेंशन का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, जब आप करने लगोगे तो आपको खुद ही दिखेगा, जब आंसर नहीं आया कुछ नहीं आया तो आपको लगेगा कहाँ मिस्टेक है, सबसे पहले डायमेंशन कैलकुलेशन आपको यही सब चेक करना है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन तो हम लोग बेटा बहुत सारे करते हैं, इसमें कुछ होना तो है नहीं हम लोग को, चलिए जल्दी शुरू करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन है, चलिए रफ करें बेटा इसको हम लोग, ठीक है रफ करते हैं, चलिए आ तो गया ना बेटा समझ में, देखिए यही आना था इसका, ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बारी बारी से हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आराम से इसको कर लेंगे हम लोग। चलिए यूट्यूब एक्सपेरिमेंट नहीं कि आप वीडियो बनाना और ये सब करा नहीं, यूट्यूब मतलब एक होता है, अभी जाओगे लैब में तो आप जाके देखोगे, ठीक है ना। यूट्यूब ऑफ यू, उसमें लिक्विड भरा होता है यूनिफॉर्म, ठीक है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन contains mercury up to a height h in either limb। The mercury is one limb is depressed a little and then released obtain an expression for the time period of oscillation। Assuming that T depends on H, rho and G। चलो इसको कर लेते हैं, ये बहुत आसानी से हो जाएगा बेटा। यहाँ पे T for time तो है नहीं, T for क्या दिया है यहाँ पे देख लीजिए, T क्या दिया है, ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, सॉरी टाइम ही दिया है, टेंशन नहीं दिया है, मैं सोच रहा था टेंशन होगा पर टेंशन नहीं है, यहाँ टाइम पीरियड है, ठीक है। तो T इज इक्वल टू के एच रो और जी। चलिए शुरू करते हैं, एम जीरो एल और टी, ठीक है। एच मतलब हाइट मतलब एल, रो मतलब एम एल माइनस थ्री यानी डेंसिटी ने दिया ना बेटा, इसमें कुछ और तो दिया नहीं है, देख लीजिए हाइट लेंथ और ये सब क्या दिया है इसमें, देखिए डेंसिटी होता है वैसे डिस्प्लेसिटी, हाँ वैसे भी वाटर का डेंसिटी या मरकरी का डेंसिटी ही होता है, ठीक है। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस टू, फटाफट इसको कर लेते हैं बेटा हम लोग, आराम से इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलो एम जीरो एल जीरो टी वन, ठीक है। एल की पावर ए, एम की पावर बी, एल की पावर माइनस थ्री बी और एल की पावर सी, टी की पावर माइनस टू सी, सेट कर लेते हैं जल्दी से एम, और एल की पावर क्या लिख देंगे बेटा, ए माइनस थ्री बी प्लस सी टी की पावर माइनस टू सी, बन गया बेटा आराम से आप इसको कर सकते हैं, कहीं बताया ना मैंने कोई रुकावट है नहीं बेटा इसमें, बस इसको क्या करना है, बी इज इक्वल टू जीरो हो गया और ए माइनस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हो गया आपका टू, ये आपका हो गया थ्री, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन माइनस टू सी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू है उसमें, देखिए सी भी आ गया, ये हो गया आपका थ्री मल्टीप्लाई जीरो और प्लस सी कितना दिया है, माइनस वन बाई टू दिया, माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो, तो ये खत्म, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, वन बाई टू आ गया,
ए कितना दे दिया गया 1/2, बी कितना आ गया बेटा 0, और सी कितना आ गया -1/2। आराम से आप इसको कर सकते हैं, पुट कर लीजिए, पुटिंग दीज वैल्यूज। तो पुटिंग करेंगे दीज वैल्यूज को क्या आएगा, देखिए टी इज इक्वल टू के जी की एच की पावर कितना हो गया बेटा, एच की पावर बोल दीजिए, एच की पावर ए है तो यानी 1/2, और रो यानी डेंसिटी यहाँ पे कितना आ रहा है 0 पावर में इसमें, और सी यानी जी ये हो गया -1/2। तो हम लोग लिख देंगे के एच बाई जी पावर बाहर हो गया, ठीक है। अब इसको सीधे सीधे रूट में लिख दें एच बाई जी, ठीक है। देखिए आराम से ये फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, प्रूव हो गया, कहीं कोई रुकावट कहीं कोई दिक्कत, देख लीजिए बेटा आप देख पा रहे बेटा सारे क्वेश्चन एक के बाद एक आराम से आप इसको प्रूव करते चले जा रहे हैं, कितना इजी है। सच में बता रहा था मैं, डायमेंशन जैसे लोग कहें टफ है, कुछ नहीं, सच में इजी होता है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि जो आप कर नहीं पाए, ठीक है। आराम से आप इसको कर लेंगे, बहुत आराम से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा करते आप चले जाएंगे। चलिए बेटा हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े फिर जल्दी से, चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तभी तो कर पाएंगे। तो रफ किया जाए, जल्दी बताइए, चलिए रफ कर देंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अ बॉडी नॉट बॉबी इज बॉडी अ बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट बाय the method of dimension। ठीक है, तो इसमें ट्राई करेंगे बेटा खुद से, आप ट्राई करना चाहे ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए तो हम सॉल्यूशन कर देते हैं इसका, चलिए इसमें क्या करना है देख लीजिए जल्दी से। फोर्स के रिस्पेक्ट है तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के किस पे किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, और रेडियस, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मास एम और रेडियस आर, ठीक है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ एम आर और ये ओमेगा सी, ठीक है। आप देख सकते हैं बेटा इस सब क्वेश्चन को बिल्कुल शुरू से ऐसे ही करना है, कुछ नहीं, फिर डायमेंशन सब पर रख दीजिए, डायमेंशन रखने के बाद देखेंगे आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है भाई, बहुत बेसिक है, दोनों तरफ डायमेंशन रखिए, एबीसी की वैल्यू निकालिए और पुट करिए, डेरिवेशन हो गया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, जल्दी से कर लेते हैं। आप डायमेंशन बता दीजिए एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टी माइनस टू, चलिए मास का डायमेंशन एम, ठीक है, आर एल
पावर बी, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं लगता इसका, पर सेकंड होता है बेटा, यानी टी माइनस वन होगा। ठीक है, पी हो गया सी। बस शुरू करते हैं हम लोग जो है इसको, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस वन, यानी ये हो गया माइनस सी, एम एल टी माइनस टू। ए की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए, वन आ गया, बी की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए, वन आ गया, सी की वैल्यू कंपेयर करिए, तो बिल्कुल एक मिनट में हो गया बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तो सोल्यूशन भी नहीं करना पड़ा, देख लीजिए। माइनस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस टू, यानी सी इज इक्वल टू हो गया टू। बस अब ए बी सी है तो क्या करते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग पहले इसको लिख लेते हैं, चलो सीरियल नंबर में लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू टू, पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज। ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यूज तो क्या करना है आपको, देख लीजिए, एफ इज इक्वल टू के, एम की पावर वन, आर की पावर वन, और ओमेगा यानी टू, यानी पावर टू, बन गया आराम से फॉर्मूला बन गया। तो देखा आपने कितनी आसानी से हो गया बेटा, पहले बोला ना क्वेश्चंस को पढ़िए, बस डायमेंशन लगाइए और आराम से हो जाता है, आपको ज्यादा इधर उधर करने या कुछ एक्स्ट्रा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ और अच्छे से आपको कराने के लिए देख लेता हूँ, अगर कोई बढ़िया से मिल जाता है मुझे तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन ये भी दिख रहा है, इसको भी हम लोग करवा ही देते हैं। चलिए उसको मैं रफ करता हूँ बेटा, आ तो गया ना बेटा क्वेश्चन आसानी से, एकदम ज्यादा कुछ टेंशन था नहीं इसमें। चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एन expression for the surface tension S of a liquid rising in a capillary tube. Assume that the surface tension depends upon देखिए इसमें तीन चार चीज दिया है, पहला है mass m of the liquid, दूसरा है बेटा प्रेशर p of the liquid एंड तीसरा है आपका रेडियस r of the
कैपिलरी ट्यूब आर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब टेक के इज इक्वल टू 1/2 ठीक है, टेक के इज इक्वल टू 1/2। तो इसको कैसे करेंगे बेटा जल्दी बताइए, इसको कैसे करेंगे? देखिए इसको करने के लिए क्या है, हमको ज्यादा अच्छा दिमाग तो लगाना नहीं है इसमें। देखिए इतना करने के बाद जो है आपको क्या करना है, शुरू करना है, पहले सॉल्यूशन शुरू करें। सॉल्यूशन करने के बाद इसमें हमको क्या लिखना है, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन एस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस टेंशन। तो हमें किसका एक्सप्रेशन चाहिए, सरफेस टेंशन का, और सरफेस टेंशन किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो एस इज इक्वल टू के, प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है पावर ए, फिर रेडियस ऑफ द लिक्विड पावर बी, और कुछ है इसमें, और कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सरफेस टेंशन मैंने आपको बताया बेटा फार्मूला, एफ बाई एल, डायमेंशन एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, एल से एल काट दीजिए तो आपको इसका डायमेंशन आ गया। फटाक से शुरू करते हम लोग, कोई बिना टाइम पर बात किए। और इसमें देखिए बेटा फट से एम टी माइनस टू, यानी पहले इसको लिख देना बेटा, एल जीरो लिखना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये हो गया इतना, और इसके बाद प्रेशर, प्रेशर हमको पता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसे डेंसिटी के लिए होता है ना। तो प्रेशर का मतलब इसमें होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो यही सेम हो जाएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, तो ऊपर एल क्या हो जाएगा बेटा, माइनस वन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग यही करेंगे एम एल माइनस वन टी माइनस टू। मैंने बोला बेटा डायमेंशन लिख के करना है, कभी डायमेंशन छोड़ के करोगे तो गड़बड़ ही गड़बड़ हो जाएगा, और फिर कहोगे आपका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं बेटा, कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से, और इसके बाद इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। और मुझे लगता है कि लगभग काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करा दिए, अब अगली क्लास में जो है सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह की ओर चलेंगे। देखिए माइनस टू ए और एल की पावर बी, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए बेटा, एम की पावर ए, एल की पावर माइनस ए प्लस बी, और टी की पावर माइनस टू ए। तो एम एल जीरो टी माइनस टू, ठीक है। अब इसको क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू वन आ गया, माइनस ए प्लस बी, प्लस बी इज इक्वल टू कितना, जीरो, और इसके बाद माइनस टू ए और माइनस टू। तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे भी वन ही आ रही है, और ए की वैल्यू यहाँ वन पुट कर दें तो बी इज इक्वल टू जीरो, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, वन आ गया। तो देख सकते हैं आप बेटा कि कहीं कुछ नहीं है, ए इक्वल टू बी वन है, बी इक्वल टू बी वन है। क्या कर दें, पुटिंग दीज वैल्यूज इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया आपका जो है सरफेस टेंशन के, और पी की पावर वन, और आर की पावर वन, और अब उसके बाद हम लोग लिख दें के इक्वल टू कितना था, 1/2, तो ये भी पुट कर दें, एस इक्वल टू 1/2 पी आर, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पी आर बाई टू। देख रहे कितनी आसानी से आ गया बेटा, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं था। मैंने बार बार बोला है ना, आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं, सच में सब चीजें बहुत ज्यादा आसान है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कल हम लोग देखेंगे कि डायमेंशंस के क्या लिमिटेशंस होते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, और फिर एरर, एरर पे हमारा ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है क्लोज हो जाएगा। और एरर क्लोज होते ही फिर हम लोग असली फिजिक्स की ओर बढ़ेंगे, जो कि फिजिक्स जहाँ से हम लोग कहते हैं मेनली शुरुआत होती है, जहाँ पे फिजिक्स का मेन यानी मैकेनिक्स की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे। और जब मैकेनिक्स शुरू होगा, आपको सच बता रहे इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने आपको बताया क्वेश्चन आपको भरपूर करने हैं, आप भरपूर मैं कराऊंगा भी, इतना करा दूंगा कि आपके सारे एग्जाम वगैरह जितने बेसिक हैं स्कूल लेवल के या जो भी, आप उसको आसानी से कर पाएं। फिजिक्स आसान है, बस इतना आप याद रखिएगा, टफ कुछ नहीं होता, बस मेहनत नहीं करोगे तो टफ लगेगा। आप आसानी से कर लोगे, आप पे बहुत जुनून है, आप पे बहुत हिम्मत है, आप इसी बात को कायम करते हुए आगे बढ़िएगा, और कभी भी अटकेंगे नहीं फिजिक्स में, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अटकेंगे नहीं मतलब नहीं अटकेंगे, आप कर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।